साले घूम को जाता है। ओके लेट्स स्टार्ट जर्नी। पहली बार इस कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हुए क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली। ओके नया रोड बना है बेहतरीन। अभी अपन है आश्रम पे सराय काले खां। स्क्रीन बंद होने पे डरने का नहीं, वो रिकॉर्डिंग चल रही है, बैटरी सेव करता है, करके आगे जीत है। तो कितनी दूर है यार? और 950 किलोमीटर जाना है। 950 किलोमीटर शेष है और आज का टारगेट है समवेयर अराउंड 600 किलोमीटर। बस पट्टी चक देंगे अपन। तो 650 किलोमीटर हार्डली गोना टेक 8 hours। यस बहुत। पॉसिबली टुडे नाइट विल स्टे इन अलाहाबाद। अलाहाबाद गंगा किनारे एट द हां एकदम संगम पे एकदम रॉक बाय। और ये गाना आपके लिए। तो सब कुछ बोलना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस पर्सन सो बिजी। शिफ्ट गोइंग ऑन। आई जस्ट लाइक इज इन द मिड ऑफ द शिफ्ट, नॉट इन द मिड ऑफ द शिफ्ट, एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। एंड राइट नाउ वी आर ऑन ग्रेटर नॉट एक्सप्रेसवे, जस्ट क्रॉस महामाया फ्लाईओवर हेडिंग टुवर्ड्स आगरा। एंड इट्स जस्ट अ अपडेट, बंदा मेल चेक कर रहा है। मेबी आई विल नॉट स्ट्रगल। पैचिंग करके ऑफिस से आए हैं, मेल यहाँ पे आके चेक कर रहे हैं कि पैचिंग ठीक से हुई है कि नहीं हुई है, बताइए कैसे काम चलेगा। और जस्ट वॉन्ट टू शो यू द GPS दैट 14 hours 56 minutes लेफ्ट, 955 किलोमीटर्स टू गो एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आगरा नाउ। यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे पे थोड़ी देर में चढ़ेंगे हम। सो स्टे ट्यून टिल देन। ये आगे रिकॉर्डिंग शुरू, यहाँ पे वो लाल वाला ब्लिंक कर रहा है ना, पहला वाला भी हो गया होगा। एंड नाउ वी आर ऑन यमुना एक्सप्रेस वे समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर बिफोर द फर्स्ट टोल। अभी जस्ट हमने वो F1 सर्किट ट्रैक क्रॉस किया है। आई थिंक हमें और 1.5 से 2 घंटे लगेंगे आगरा पहुँचने में ऑन एन एवरेज स्पीड ऑफ 100, जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पे। Hey people. One car try to overtake. Yes. It's Scorpio. थोड़ी देर में स्क्रीन बंद हो जाएगी इसकी। बंद हो गई।
नहीं अभी चल रही रिकॉर्डिंग नहीं बंद हुआ ऐसे कर दिया हुआ ना तुमने स्लाइड तो हमने पहला टोल क्रॉस किया वी हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक एट शिवा ढाबा इट्स अ गुड प्लेस इट्स अ गुड प्लेस वी यूजुअली कम ओवर हियर आना जाना हमारा लगा रहता है तो वी हैव बॉट अ पॉपकॉर्न देयर इज द पॉपकॉर्न नहीं सॉरी दिस इज अ स्वीट कॉर्न स्वीट कॉर्न आई एम सो सॉरी आई एम सो इलिटरेट दैट इज स्वीट कॉर्न एंड इट इज द पॉपकॉर्न Another backup popcorn is behind on the rear seat. We will eat it later. Now, 124 km more left on Yamuna Expressway. After that, we are going to leave Yamuna Expressway towards Tundla. So, let's go. 968 km was when we went there. Now, it's 885. So, approximately, we are going to go to 80 km. And we are gradually progressing. सही स्पीड है टारगेट ये है कि 3 घंटे की अभी और रोशनी है तो जितनी देर रोशनी है उतना डिस्टेंस कवर कर लें क्योंकि फिर उसके बाद तो हेडलाइट और यूपी यू नो व्हाट आई मीन तो स्टे ट्यून्ड फॉर गेट बैक इन अ व्हाइल यप मस्ट टायर्ड ट्रैवलिंग थोड़ा सा रोड दिखा दे Anyone interested in that? यहाँ पे शाम को 6 बजे तक ये मार्केट लगी रहती है आप अपने जरूरत के सस्ते नशे के सामान यहाँ से ले सकते हैं और ये हम क्रॉस करके वो और यहाँ से
4 kilometer baad we will take a turn to Lucknow Expressway. Yep. Approximately हम लोग 20 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं on this Lucknow Expressway and as per the GPS we have to leave this expressway somewhere around 45 kilometers from here. तो वहाँ पे एक slip road आएगा and we have to leave the expressway from there and have to take a turn towards Tundla. तो देखिए अभी तक तो we are trying to keep the speed. On an average, we are traveling at 80 kph. देखते हैं अब कितने दूर हम जा पाते हैं. After that, we will take a halt for tea break probably at 5:30. 5:30 तक वो कट भी आ जाएगा. तो एक टी ब्रेक over there. We'll see from there that कितनी दूर और जा पाते हैं. And here is the beautiful highway for you people. Many of the people haven't seen Lucknow Expressway. बहुत कम लोगों का इसपे ब्लॉग या ये आया है कि कैसा हाईवे है. So it's very good. हालांकि isolated है जैसे हमने expressway था, वैसे ही isolated है ये भी. But still, it's a good construction actually. That's up to you. Here's the GPS.
किशोर मेंशन और हम अपडेटेड भी है देख करके हमें लग रहा है इज अ पार्ट ऑफ चंबल। अगर आप कभी चंबल गए होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे ही मिट्टी के टीले हैं वहाँ पे, बिकॉज वी हैव रिसेंटली वेंट टू, मतलब नॉट वेंट टू, वी हैव क्रॉस चंबल। हम नितेश के घर गए थे और ग्वालियर से आगरा के बीच में वी हैव टू क्रॉस द चंबल घाटी। तो ये कुछ 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 वैसा ही लग रहा है, नॉट हार्ड कोर चंबल बट कुछ कुछ वैसा ही है। वहीं से पीछे निकल गए, ये शाम मस्तानी सनसेट हमारे पीछे हो रहा है। हम एक्चुअली ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बिहार ईस्ट में है तो हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वेस्ट पीछे है हमारे, सनसेट पीछे हो रहा है, तो इट्स लुकिंग नाइस। जस्ट बी श्योर ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। और हमसे, हाँ जस्ट एन अपडेट, हमसे पीछे वाले टोल पे टोल भी फ्री था, हमसे कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने। आई डोंट नो व्हाई बट अच्छा है, टोल इज गोइंग, भिखारी को जितनी भीख मिले उतनी अच्छी, तो वी आर एक्चुअली हैप्पी जितनी दूर फ्री में चल पाए, डीजल के अलावा कोई खर्चा ना हो, रहने को भी।
Allahabad ke liye chhapa chalte hain aap logon se. So due to some construction issue we left that highway. We have to left that. Everyone had to, not us only. Lucknow expressway mein chhodna pada. There's some testing going on. So we just took a There's a cut with the barricade. We took that cut and we are now on the old highway. Old highway pe aa gaye hum. Old hamari speed 100 se 40 pe aa gayi. 100 se 40 pe aa gayi hamari. Hame bahut acha lag raha hai. Oh, I think we are planning to take a halt on Kanpur till we reach Kanpur. So we will update once we reach Kanpur. Even I have gone through this highway before. Ye highway theek hai. Means yahan pe toll thode zyada hai. Expensive nahi hai, 30 rupees 40. Oh, shuru ho gaya. Ha, to I have been through this highway before. Yahan pe matlab issue wo nahi hai. Issue ye hai ki yahan pe toll zyada hai and it's a 4-lane highway. Jaise expressway tha, it was 6-lane. Teen idhar, teen udhar. It's a 4-lane highway and it goes through some रूरल एरियाज. मतलब कि यहाँ पे आपको क्राउडेड मिलेगा गांव के बीच में से, तो लोकल पब्लिक भी क्रॉस कर रही होगी, तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस ओवर हियर. बाकी कोई इशू नहीं है. लेट्स सी. सो ऐसे आपने हमारे एक्सपर्ट की राय देख ली है.
हाईवे थोड़ा ठीक है अभी तक तो थोड़ा ठीक लग रहा है सो रवि हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे कि क्या कितना किलोमीटर में भी चल सके कितना कानपुर के लिए भी बाकी है कानपुर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर टू गो So what we are planning is we will not stay in Kanpur. Kanpur Allahabad ke beech mein if we get a good line hotel resort or something good in the sense. Yep. Yes, Ravi. So good in the sense of safety aur thoda sa cheap ho because we have to hardly spend over there 8 to 10 hours. Early morning hum fresh honge, brush karenge and then we'll leave from there. So we are not looking for an expensive one. Just a safe और ऐसा कोई एयर कंडीशन भी नहीं चाहिए यार अभी तो ठंड है तो रूम ठीक ठाक हो बट सेफ हो सेफ हो जस्ट फॉर अवर लगेज जस्ट फॉर ऐसा वेट सो मच लगेज लेट्स सी वी विल अपडेट यू आफ्टर एन आवर वंस वी विल बी क्रॉसिंग द कानपुर सिटी तो सेडे या स्टे ट्यून्ड गाइस टेक केयर हैप्पी ट्रैवलिंग तो अभी भी हम कानपुर पहुंचने वाले हैं अभी हम कानपुर पहुंचे हार्डली 15 मिनट और 15 मिनट और वी विल बी देयर कानपुर ये अभी जस्ट वी रीच्ड अ टोल टोल प्लाजा कौन सा टोल प्लाजा पता नहीं लेकिन टोल प्लाजा है टोल प्लाजा है इसलिए ऑन किया कि जो भी जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो इतना क्लियर नहीं आ रहा था व्यू तो जस्ट आई ओपन कैमरा इंटरनेट टोल टैक्स सो एक्सपर्ट हमारे रवि कुछ टिप्पणी विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप टिप्पणी क्या करना है अब आशियाना ढूंढना है सामान खरीदना है हमारे रात के लिए ओवर टाइम भी और ये जगह का नाम पता नहीं क्या है ना टोल प्लाजा का नाम लिखा है ना कुछ लिखा है ये कुछ ही नहीं लिखा यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन नहीं यार पता नहीं कौन से एरिया का टोल प्लाजा है ये सो रवि मतलब अराउंड कितना किलोमीटर बचा होगा कानपुर यस कानपुर कानपुर इज समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू फाइंड द अकोमोडेट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस जीपीएस ये हमें कानपुर से बाईपास निकालेगा विच इज गुड फॉर अस हम भी कानपुर के बाईपास से निकलना चाहते हैं बट कानपुर शहर से नज़दीक लगे में ही हमें कोई वो देखना है नहीं तो फिर अलाहाबाद के नज़दीक पहुंच करके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई हाईवे सुनसान हाईवे के बीच में कहीं कुछ बना हुआ तो उसमें चले गए नॉट एज सच ओके हमें शहर से स्टिक करना है चाहे वो कानपुर हो चाहे अलाहाबाद हो तो लेट्स सी whether we find anything related to it if we find we will stay otherwise we'll continue so stay so tuned. Till now we have traveled somewhere around 430 kilometers 536 more to go
So you can see this is our car, Mahindra TUV. So finally we got the hotel. It's Jeet Hotel and Restaurant. ये आपको मतलब इलाहाबाद से अराउंड 120 किलोमीटर पहले फतेहपुर एरिया है. हाईवे पे ही हमें एक होटल मिल गया जैसा हमें चाहिए था. वी फाउंड इट एंड इट्स लाइक अफोर्डेबल होटल. इट्स गुड टू स्पेंड अ नाइट हियर. लेट्स सी फाइनली वी रीच. सो वेयर वी आर आई एम फाइंडिंग माय एक्सपर्ट. एक्सपर्ट इज trying to do some. Hey man, what you are doing? Rather, he is a big deal. इनके आप बातें सुनते आ रहे हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी आर स्ट्रगल सो मच फॉर फाइंडिंग द होटल. एक्चुअली हम थोड़ा आगे गए थे फिर हम पीछे लौट कर के आए. वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उसने बताया कि देयर इज़ अ गुड होटल. यहाँ पे आ गए, अदरवाइज हमें फतेहपुर के अंदर जाना पड़ता. तो आज का ड्राइव काफ़ी हेक्टिक हो गया. ये भी ऑफिस से आया था, मैं भी नाइट शिफ्ट से उठा हूँ. तो आई थिंक तो इलाहाबाद 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर और है यहाँ से. तो इनफ है आज के लिए. बहुत है, बहुत है. थोड़ा सा मैं पर्सनल काम भी है. पर्सनल काम ख़त्म करने के बाद वी विल स्लीप. एक्चुअली होटल है ये. दिस इज़ द होटल. दिस इज़ अवर व्हीकल पार्क्ड ओवर हियर. ये आ ही नहीं रहा ठीक से बिकॉज ऑफ द डिम लाइट. ये होटल है. दिस इज़ अवर कार. बैटरी भी पूरी चार्ज है. We will update you in the morning. I'll update you in the morning. Thanks, guys. Stay tuned. Stay tuned. Good night. Stay asleep. Good night. Good night.